बहुत बहुत नमस्कार क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके आए हैं। अगर ये फॉर्मूलाज आप लोग कर लेते हो तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और सारे न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे। वो आप जो बोलते हैं ना कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनता, कंसेप्ट तो समझ में आता है न्यूमेरिकल नहीं बनता, सारे बनने लगेंगे। बस आपको ये 12 फॉर्मूला याद कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। एक सच्चाई में बता दूं, क्लास टेंथ का जो फिजिक्स है ना, बस समझ लो तो 20-22 फॉर्मूले हैं और उसी पर क्वेश्चन आना है। तो भाई एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, कोई तोप नहीं है क्लास टेंथ का फिजिक्स। तो आओ वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का यह 12 फॉर्मूला है, ठीक है, मैं बताता हूँ। और बहुत सारे टीचर्स जो है लगभग 20-22-24 फॉर्मूले लिख देते हैं, भाई इसी में से वो बनाते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे पहला है I is equal to Q by T, from the definition of electric current के definition से ये फॉर्मूला आता है, जहां पर भाई I बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, सभी लोग जानते हैं I बराबर इलेक्ट्रिक करंट, Q बराबर चार्ज होता है, ठीक है, और T बराबर टाइम। जब आपको टाइम दिया हो और चार्ज दिया हो तो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, या आपको टाइम नहीं दिया हो, आपको चार्ज दिया हो और आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया हो तो आप टाइम निकाल सकते हैं इस तरह से। इसीलिए इसका एक और फार्मूला आप बना सकते हैं, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा। लो भाई एक और फार्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो T बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई I, एक और फार्मूला बन गया। अरे फार्मूला बनाने का बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू NE, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले रहेंगे, कहेगा कि भाई एक कूलम चार्ज दिया गया है, आप बताइए उस वायर से अगर एक कूलम की चार्ज अगर प्रवाहित हो रही है, एक कूलम की चार्ज फ्लो हो रही है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो किए होंगे वन कूलम चार्ज में। तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो, जहां पर अगर आपको एन की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरा मार्कर लिखूंगा ले लेता हूं, अगर आपको एन की वैल्यू कहेगा निकालने के लिए तो ये देखिए क्यू बाई ई हो जाएगा, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला एक अगला फॉर्मूला हो गया। एक होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस से ये फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जहां V जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैं लिख देता हूं, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, W जो है वर्क डन होता है, जो वर्क डन हो रहा होता है, और Q जो है वो भी चार्ज है। सिंपल सी बात है भाई, कोई इसमें तोप नहीं है, ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे। अरे भाई टेंथ का फिजिक्स नहीं है कुछ बड़ा यार, बहुत ईजी है, फॉर्मूला डालो क्वेश्चन आंसर निकल गया भाई, टेंशन मत लेना, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो भी इक्वल टू आई आर, ये ओम के नियम से, यानी ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला आता है, जहां पर भी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट और आर इक्वल टू रेजिस्टेंस। यहां अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट कह देगा तो आई इक्वल टू भी बाय आर, ये देख लो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको आर कह देगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाय आई हो जाएगा। देखो फॉर्मूला बनता ही जा रहा है, ठीक है भाई, एक ही से बनेगा। जैसे देखो यहां पर ये रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला, यहाँ ये जो है ना भाई, ये आप याद कर लो, ये वाला जो है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं, याद रखना, बोर्ड में ये वाला फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ आपको ना, ज्यादा रेजिस्टिविटी कहेगा निकालने के लिए, ये रो, रो को इधर इधर पलट दो तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अगर रो आपसे पूछ रहा है तो रो को इधर लेके आ जाओ तो रो बराबर क्या हो जाएगा, मार्कर भाई दूसरा लेता हूँ, अगर आपको रो इधर कहेगा यानी रो पूछेगा तो रो को इधर पटक दो तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर को रो के जगह पर ले जाओ। और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चे लोगों को समझनी चाहिए कि भाई जैसे ही आर को इधर लाए रो इधर आ गया तो एरिया ऊपर चला जाता है और लेंथ नीचे आ जाता है, तो एरिया ऊपर और लेंथ नीचे, यही स्टूडेंट समझ नहीं पाते और गलती कर देते, ये याद रखिएगा। रो पूछेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला, अगर रेजिस्टिविटी आपसे पूछ रहा है तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई लेंथ होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, P is equal to V into I, ये पावर का है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है, जहां पर P का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। आगे बढ़ता हूं, जहां पर V जो है वो तो आपको पता ही है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, PD से मैं लिख देता हूं, और I बराबर इलेक्ट्रिक करंट होता है, सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार और मालदार। अब यहां से भी पूछ देगा तो पी, अब सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, देखो भाई अगर आपको भी पूछ दिया तो क्या करोगे, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय आई हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन गया। आई पूछ देगा तो क्या करोगे, पी बाय आई,
अगर आई पूछ दिया तो पी वाई भी कर दोगे। सिंपल है भाई, एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो P is equal to V square by R, ये देखो यहाँ पर ये तो आपको समझ में आना चाहिए पावर का, ये जितना भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये सारा पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का, ये भी पावर का, ठीक है, समझ में आ रहा है, जितना मैंने लिखा है फॉर्मूला सारा पावर का है। जैसे यहाँ पर P is equal to पावर V square, आप मान के चलो V square, ठीक है, आपसे वोल्टेज पूछ रहा है तो V square को इधर लेके आओ तो P into R हो जाएगा, और यहाँ से V square हटता है तो रूट चढ़ता है तो V is equal to हो जाएगा रूट अंडर P into R, ये फॉर्मूला बन गया। सिंपल है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ू। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहां देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे I पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है तो इधर लेके आओ, देखो कैसे बनेगा। अरे भैया आई स्क्वायर को इधर लेके आओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इधर आएगा तो पी वाई आर ना हो जाएगा, आप बताओ होगा ना। अब आई पूछ रहा है तो इधर और आगे ले जाएंगे, अब ये देखो स्क्वायर है, हटेगा स्क्वायर तो रूट चढ़ेगा, आई इज इक्वल टू रूट अंडर पी बाय आर, सिंपल। आगे बढ़े, ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखो भाई, पी इज इक्वल टू ई बाय टी, देखो ध्यान से, पी इज इक्वल टू ई बाय टी, ठीक है, तो यहां से आप समझ लो कि पी जो है पावर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, जो है एनर्जी होती है। और तो भाई वो लाइट कट गई थी जिसके वजह से भाई बहुत देर के बाद लाइट आई है, इसीलिए मुझे देख रहे हो नया कपड़ा है भाई। देखो तो E बराबर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और T बराबर क्या होता है भाइयों, टाइम होता है, ठीक है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है पावर का, ये P इज इक्वल टू W बाय T, ठीक है, P इज इक्वल टू W बाय T, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू पावर, W इज इक्वल टू वर्क डन, T इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। अब देखो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, देखो यही वाला फॉर्मूला है, देखो इस फॉर्मूला को अगर क्रॉस करोगे, देखो पी इज इक्वल टू ई बाई टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनर्जी को इधर पटक दो, क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा ना, यही फॉर्मूला है, ठीक है। एनर्जी बराबर क्या होती है, पावर इंटू टाइम, अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो उसमें आपको पावर और टाइम दिया रहेगा, एनर्जी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल। अब देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ये फॉर्मूला है, जहां पर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और T इज इक्वल टू टाइम होती है। अगर यहां पर I आपसे पूछ लिया तो I बराबर आई स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, H इसके जगह पे और आर टी नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एच बाय आर टी, ये फॉर्मूला है। ये सारा अगर फॉर्मूला आप कर लेते हो तो भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सारा बनेगा, ठीक है। क्योंकि भाई क्लास टेंथ का केमिस्ट्री में, अगेन बोल रहा हूँ इस बात को, क्लास टेंथ का केमिस्ट्री पर जो न्यूमेरिकल आता है, क्लास टेंथ का केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, क्लास टेंथ के जो फिजिक्स होते हैं और उस पर जो न्यूमेरिकल आता है वो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला पर पूछता है, ठीक है। तो इसको कर लोगे तो काम बन जाएगा। लो मैं साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेके आते रहते हैं, इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।